फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये मैंने बनाए थे टू एनवेलप्स, एक था हैप्पी दिवाली, एक था लवी, यानी ये पापा का है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर हार्ट्स के ऊपर लिखा क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज ये जो है ना दोनों एकदम सेम टू सेम है। एंड मुझे ना दिवाली का भी बनाना था और पापा के बर्थडे का भी बनाना था। एंड मैंने अपने हिसाब से तो डिफरेंट डिफरेंट बनाए थे, लेकिन जब देखा तो दोनों सेम ही सेम बन गए। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया हैप्पी दिवाली और यहाँ पे लव, ठीक है। एंड चलो अब खोल के देखते हैं हम इट्टी विटी। यार लगे नंबर ट्राई करते हैं, 1 2 3, लगे नंबर 3 यानी इधर जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या आता है। सो आई डोंट नो मैंने क्या डाला था, यार मैंने ही डाला, मैं ही कह रही हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा ये हैप्पी आइसक्रीम डे, एंड इसके अंदर कुछ ये लिखा है, मी स्पेशल मैं लिख दी वैसे नीचे जाती थी। सरांगे मीन्स लव यू, डोंट माइंड द जोक। तो अगर आपको सारंगे का मतलब नहीं पता, वैसे मैंने बता भी दिया, सारंगे का मतलब आपको नहीं पता तो वो मैं आपको खुद ही पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे सारा स्टफ निकाल लेती हूँ मैं ऑलमोस्ट। तो एकदम खाली, और अब एकदम खाली हो गया है। एंड सारा कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमने हैप्पी आइसक्रीम डे तो हमने देख लिया है, पीछे मैंने लिखा डोंट माइंड द जोक ऑन द फ्रंट, सॉरी, क्योंकि ये मैंने आइसक्रीम डे लिखा है ना, बर्थडे नहीं लिखा इसीलिए, ठीक है। अब हमें मिनी एनवेलप मिला है जो हम बाद में खोलेंगे, तो इसे खोलते देखते हैं पहले। हैप्पी बर्थडे पापा, मे दिस डे बी फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड फन मेमोरीज, मे यू लिव फॉर मेनी मेनी ईयर्स, इन्जॉय योर डे, हैप्पी बर्थडे अगैन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, इन्जॉय द डे, पीछे कुछ तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है यानी आप मुझे सब आप सब लोगों को जानना होगा मीनिंग सारंगे क्या होता है। सारंगे मीन्स लव यू, ठीक है। अब सारा मैंने जब निकाल ही लिया है तो उसके अंदर डाल देता है। पता नहीं बाकी सारे यूट्यूबर्स कैसे शूटिंग कर लेते हैं वन हैंड से, मेरे से तो नहीं होती भाई। और ये अंदर घुस जा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हैप्पी बर्थडे पापा। ओ हाँ सच, यार मैंने पढ़ तो दिया यार, पता नहीं कहाँ ही दिमाग चल रहा है मेरा। अब उप्स मैं इसे बंद क्यों कर रही हूँ, पहले मिनियन वेलअप खोल के देखते हैं इसमें क्या है। अरे देखते क्या है, लग तो बहुत कुछ रहा है भाई, देखते। द अवार्ड ऑफ बेस्ट फादर गोज टू यू, यार एक और चीज़ चाहिए थी। हाँ दिख रही है, आई कैन फील दैट। एंड यहाँ पे लिखा है लव यू पापा, और ये एक स्टिकर है, मैंने आपको बताया था ना कि कैसे बनाते हैं ऑडी डबल साइडेड टेप का बैक वाला साइड, यानी डबल साइडेड फोम टेप का बैक साइड। एंड चलो इसे भी एंड कर देते हैं इसमें, एंड इसे क्लोज करते हैं, एंड जाते हैं हमारे हैप्पी दिवाली कार्ड में। एंड चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टफ है। तो देखते हैं, एकदम खाली पटाली तो हो गया है, यह देखिए। अब सारा इतना सारा स्टफ, यार ओ माय गॉड। फन फैक्ट, आई एम स्केयर्ड ऑफ सम फैक क्रैकर्स। फन फैक्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, मुझे पता है। और ये क्या लिखा है, हैप्पी दिवाली, एंजॉय द फेस्टिवल।
It is fun to celebrate Diwali, right? Yes. It is fun to add some candles around our house. Yes. I like Diwali because it is just like playing with parents happily because of firecrackers. Next है ये मुझे बहुत पसंद आया. Happy Diwali, love it, right? Love मुझे बहुत पसंद आया. Next है fun time on Diwali. Next हमारा mini envelope खोलते हैं. ऐसे हम नीचे से भी पीक पीक कर सकते हैं, नीचे से निकलने वैसे. चलो ऊपर से ही देखते हैं, ठीक है. एंड ओ माय गॉड, इसमें स्टिकर्स लग रहे हैं, कुछ थ्री हैं. इस पे लिखा है हैप्पी, नहीं, लव यू मम्मा. तो इसमें लिखा है लव यू मम्मा, इसमें लिखा है लव यू पापा. यार इंसर्ट हो जा. नेक्स्ट, क्योंकि मेरे मम्मा के हीरोज बहुत बड़े हैं रूपांजल जितने, तो एक रूपांजल स्टिकर फॉर मम्मा. अब ये जाएगा अपनी जगह में, यानी अंदर. हमारा दिवाली एनवेलप भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो कमेंट करके बताना आपको दोनों एनवेलप में से कौन सा एनवेलप ज़्यादा पसंद आया. वीडियो वाला अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाय गाइस.